हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम अब कंप्लीट होने वाला है और फोर्थ फेज़ के अंदर यहाँ पे टोटल 3 आरआरबी का शेड्यूल था, जिसमें से एक आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई भी था। ठीक है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई के कट ऑफ के ऊपर, कितनी कट ऑफ यहाँ से जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के आप सबसे अधिक चिंता में होंगे कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितने मार्क्स पे हमें पीटी की तैयारी यहाँ पर शुरू करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर वैकेंसी देखें दोस्तों, तो यहाँ से वैकेंसी आपका 9,345 है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पीटी जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके अंदर 3 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाता है। यदि आप 9,345 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 28,035 आता है। मतलब टोटल 28,035 छात्र ऐसे होंगे जो सेंट्रल रेलवे मुंबई से आपका पीटी देने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पर सीट कंपटीशन की ओर देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना यहाँ से है। उससे पहले दोस्तों यहाँ से टोटल एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए हैं, देखिए टोटल एप्लीकेशन यहाँ से 9,07,390 टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं। और जैसा कि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो अटेंडेंस भी आपको देखी होंगे कि भाई अटेंडेंस जो है वो 40 से लेकर के 45% के आसपास अटेंडेंस रह रहा है। तो औसतन दोस्तों लेते हैं कि चलिए 50% के आसपास आपका अटेंडेंस रहा होगा। और यहाँ पर यदि आप साथियों 9,07,390 का 50% निकालें तो ये आपका आता है 4,53,695। ठीक है, अब 4,53,695 को यदि आप डिवाइड लगाते हैं 28,035 से तो ये आता है 16, यानी कि पर सीट कंपटीशन यहाँ पे मात्र 16 है। एक सीट पे यहाँ पे 16 बंदे जो हैं वो फाइट करने वाले हैं, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों शामिल होंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पे 16 तो पर सीट कंपटीशन है, लेकिन मैं बोलूँ जेन्युइन कंपटीशन जो है वो पर सीट आपका केवल 5 है। मतलब एक सीट पे केवल 5 ही कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि देखिए आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम में शामिल हो, बैंक एग्ज़ाम में शामिल हो, या फिर किसी भी आर्मी के रेस में आप शामिल हों, ठीक है, कहीं भी आप शामिल होते हैं तो वहाँ पर 90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं बस केवल यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आ जाते हैं, रेस में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपने ग्रुप डी के अंदर भी कई अभ्यर्थियों को नोटिस किया होगा कि मोबाइल के अंदर अथवा ईमेल के अंदर यहाँ पे मेल आया अथवा एसएमएस आया कि भाई आपका एग्ज़ाम इस तारीख को है, तो उन्होंने जाकर के चुपचाप से एक कॉल लेटर निकाला और एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गए। तो इन कैंडिडेट का यहाँ से कोई भी फाइट नहीं होने वाला है दोस्तों, बस इन्होंने यहाँ पर आकर के भीड़ किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जेन्युइन कंपटीशन देखे दोस्तों तो बस 5 से 7 कैंडिडेट के बीच में यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब उसके आधार पर कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। उससे पहले मैं आपको यहां दिखाना चाहूँगा कि 2018 का कट ऑफ क्या रहा था। देखिए दोस्तों 2018 के कट ऑफ को देकर के बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, बस एक आइडिया आपको लगाना चाहिए, क्योंकि 2018 के अंदर सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई अलग अलग नहीं थे। केवल पिछला बार वेस्टर्न रेलवे मुंबई आपका था, इस बार आपके यहाँ सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई दो पार्ट में बटे हुए हैं और साथ में दोनों के अंदर अलग अलग वैकेंसीज भी हैं और काफ़ी ह्यूज मात्रा में भी है। यहाँ पे देखिए तो लगभग 9,400 के आसपास है, वहाँ भी आपका टोटल 10,000 के आसपास है, तो दोनों मिलाकर के ही आपका टोटल 20,000 वैकेंसीज है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। अब थोड़ा सा 2018 की कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए 2018 का जो कट ऑफ रहा था डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, वो UR का 76.92 रहा था, SC वालों का 66 रहा था, ST वालों का 64 रहा था, OBC वालों का साथियों 73.16 रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, इतना कट ऑफ आपका गया था। उस समय EWS का कोई प्रावधान नहीं था तो EWS का कट ऑफ नहीं गया। साथियों इस बार की कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए यदि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि 60 to 65 अगर आपके स्कोर बन पाते हैं, देखिए ये मैं कट ऑफ जो बनाया हूँ दोस्तों ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है और ये PET के लिए है। ठीक है, ये PET के लिए है, यहाँ से आपका फाइनल मेरिट में +2 मार्क्स से लेकर के +4 मार्क्स तक बढ़ने वाले हैं। देखिए जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उस समय आपका 2 से लेकर के 4 मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, जबकि PET के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका मान के चलो जो PET का कटअप होता है उससे 2 से 3 नंबर यहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय बढ़ जाते हैं। तो ये जो कटअप मैंने तैयार किया है वो नॉर्मलाइज स्कोर है और ये PET के लिए कटअप है। ठीक है, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस कटअप से 2 से 4 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो UR कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, यदि 60 to 65 आपके स्कोर आ जाते हैं, मीन्स यदि आप 58-57 के आसपास भी रॉ स्कोर बनते हैं तो डेफिनेटली आपका इतना तक हो जाएगा, तो आपका चयन जो है वो हो जाएगा दोस्तों। SC वालों के देखें तो 53 to 57, ST का 49 to 53, OBC का 58 से 62 और EWS का 55 से 60। ठीक है,
इतने के आसपास देखिए ये मिनिमम जो मार्क्स है इतने रॉ स्कोर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस स्कोर पे पहुंच जाओगे। इतने अगर रॉ स्कोर बनते हैं तो इतने पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कम से कम इतने आपके रॉ स्कोर बन जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होकर के आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। और इस मार्क्स से यदि आपको प्लस टू मार्क्स अधिक रहेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, यदि आप पीटी क्वालिफाई करते हो तो। लेकिन आपको पीटी की भी तैयारी जमकर करनी होगी दोस्तों, क्योंकि 2018 के अंदर क्या हुआ था कि 30% के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे पीटी के लिए ही छट गए थे। तो आपको पीटी में भी लग जाना है यदि आपके इतने स्कोर बन पा रहे हैं तो। बाकी दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई से आपकी क्या राय है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने स्कोर यहाँ पर रह सकते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।